कोरोना के जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार ने 6 बजे 10 मई से लेकर 6 बजे 17 मई 2021 तक पाबंदियां लगाई थी, और इन पाबंदियों को थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट किया गया है। और एक नई गाइडलाइन जो है कल जो स्टेट हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने इशू की है। और इन नई गाइडलाइंस में जो मुख्यतः जो पुरानी गाइडलाइन से अलग जो और ज़्यादा उसमें प्रतिबंध है, उसमें एक तो ये है कि जो स्टेज कैरिजेस हैं बसेस HRTC की या प्राइवेट, ये बंद रहेंगी अगले आदेशों तक। और प्राइवेट गाड़ियां भी तभी मूव करेंगी, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपने कोविड टेस्टिंग के लिए जाना है, या आपने वैक्सीनेशन के लिए जाना है, या आपके साथ कोई और इमरजेंसी अगर आपको है तो आप तभी प्राइवेट गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ये जहाँ तक प्राइवेट इमरजेंसी की बात है, आपको बड़ा स्पष्ट जो है एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसी क्या प्राइवेट इमरजेंसी है कि आप अपनी गाड़ी का जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं शर्तों के साथ ये गाड़ियाँ अलाउ होंगी। पिछले आदेशों में जो दुकानें थी उसमें जो हार्डवेयर की शॉप्स थी वो खुली थी, लेकिन अब ये दुकानें भी बंद रहेंगी। लेकिन इससे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं हमारी वो प्रभावित नहीं होंगी। हम एक आदेश कर रहे हैं जिस आदेश में जो लेबर है, लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे जा सकती है, जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनको ID इशू करेंगे, उस ID के बेस पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगी, ताकि जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो किसी तरह से प्रभावित ना हों। जहाँ तक दुकानों के खुलने का समय है, अब सिर्फ 3 घंटे ही दुकानें खुलेंगी, और चंबा जिला में ये समय जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा, और ये समय पूरे जिला में एक समान रहेगा। और इसी समय जो आवश्यक दुकानें हैं, जिसमें राशन की है, दूध हो गया, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, फिश होगी, मीट हो गया, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शॉप्स होगी, इस तरह की दुकानें खुली रहेंगी। और जहाँ तक मेडिसिन शॉप्स की बात है, डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स हैं वो जो है उन पे ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा, वो रोज 24 घंटे जो है खुली रह सकती है। इंटर स्टेट जो है एज सच मूवमेंट जो है बाहर से कोई अगर हिमाचल में आता है तो उसको कोविड पास के लिए जो है उसको रजिस्टर करना होगा, और उसमें भी अब पहले ऑटो अप्रूवल का प्रोविजन था, लेकिन अब संबंधित सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है जब उसको अप्रूव करेगा उसके बाद ही बाहर के जो प्रदेश हैं उनके लोग चंबा जिला में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर वो 72 घंटे से लेट आते हैं तो उसी तरह से उनको क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट होगी, या उससे लेट आते हैं तो RT-PCR रिपोर्ट की भी उनको आवश्यकता होगी। अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो कर्फ्यू है उसमें एग्जेम्पशन दे रखी है कि आप किस स्थिति में जा सकते हैं। यदि आपके पास कोई वाजिब कारण नहीं है मूव करने का तो आप सड़क पे मूव नहीं कर सकते। आयोजन जो है जो शादियां हैं उसमें 20 तक लोग जो है अधिकतम शामिल हो सकते हैं। धाम और रिसेप्शंस बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे, DJs भी बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे, और इसको बड़े सख्ती से लागू किया जाएगा, और बिना अप्रूवल के इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते। और मेरा लोगों से अनुरोध है कि ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन गांव तक पहुंच रहा है, और गांव में इस इन्फेक्शन को रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग जो हैं वो पूरी एहतियात बरतें हैं, शहरी क्षेत्र वाले भी और गांव वाले भी, और एक दूसरे से मिलने से परहेज करें जब तक वो बहुत ही आवश्यक ना हो, और जो आयोजन है सामाजिक आयोजन है उनको करने से बचें, और जो एहतियात है फेस मास्क, फेस कवर, हाथ धोना या सैनिटाइज करना, एक दूसरे से उचित दूरी रखना, इसका जो है वो पूर्णतः पालन करें। और मुझे लगता है कि अगर यदि हम इन सारे नियमों का पालन करते हैं तो अगले 15-20 दिन में उसके रिजल्ट्स वो